और अब टॉप 20 के बाद में एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई और बिहार पुलिस में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस जांच से रोक रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार पुलिस की टीम मुंबई में लगातार कई दिनों से जांच करने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी रुकावटें दिख रही थी, और अब मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को मीडिया में बयान देने से भी रोक रही है। यह तस्वीरें आपको दिख रही है कि किस तरह से कल वैन में जबरन बिठाते हुए मुंबई पुलिस की टीम बिहार पुलिस की टीम को, और मीडिया में जब वो बयान देने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अपडेट है केस में, क्या कुछ जांच चल रही है, उससे भी मुंबई पुलिस ने रोका। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी अभिषेक मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये किस तरह की टक्कर है, और जब हम देख रहे हैं कि बिहार पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश कर रही है, मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने के बजाय इस तरह का बर्ताव, इस तरह के बर्ताव तो हम देखते हैं जनरली आरोपियों के साथ होता है, और जिस तरह की मुंबई पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा है, ये तो सरासर साफ है कि मुंबई पुलिस न केवल रुकावट डाल रही है बल्कि नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस की टीम ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाए। न मीडिया से बात करने दिया जा रहा है, और जिस तरह से मुंबई पुलिस की जो डब्बा वैन जिसे कहा जाता है मुंबई में लोकल लैंग्वेज में, बड़ी गाड़ी में जिसमें आरोपियों को कोर्ट से लाया ले जाया जाता है, उस तरह की गाड़ी में बिहार पुलिस को बिठाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, और यही वजह है, यही वजह साफ समझ में आ रहा है कि मुंबई पुलिस सीधे सीधे आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है, क्योंकि पूरी तरीके से बिहार पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वह सब जांच कर रही है जो शायद मुंबई पुलिस अब तक नहीं कर पा रही थी, तमाम उन बातों को उजागर कर रही जो मुंबई पुलिस अब तक करना चाहिए था मुंबई पुलिस नहीं कर पाई थी, और यही वजह है कि उन्हें लग रहा है कि मुंबई पुलिस की थूथू हो रही हर जगहों पर, उनका नाम खराब हो रहा है, और बिहार पुलिस कहीं अच्छा काम कर ले जाएगी और फिर उनका एक बार और नाम खराब होगा, इसलिए किसी भी सूरत में जांच में रोड़ा डाला जाए। और अब देखिए जिस वीडियो हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जाहिर सी बात है किस तरीके से एक आरोपी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, उनको धक्का देकर ले जाया जा रहा है, जितने भी आरोपी सीनियर वहां पुलिस ऑफिसर है, कोई जूनियर ऑफिसर नहीं है, पुलिस वाले हैं पहली बात तो, और उनको इस तरीके से ले जाकर गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा है और धक्का देकर ले जाया जा रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है कि देखने से समझ में आ रहा है किसी भी सूरत में मुंबई पुलिस नहीं चाहती है कि बिहार पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाए। हालांकि इस मामले पर अब तक हमने मुंबई पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की है, उनसे पूछा है कि आखिरकार ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब तक आधिकारिक इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आज शाम को 5:30 बजे महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख इस पूरे मामले पर अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों दोनों राज्य बिहार और महाराष्ट्र में क्यों इस तरीके से पुलिस आमने सामने आन पड़ी है, अगर वह किसी केस में जांच करने आए हैं सहयोग देने के बजाय आखिरकार क्यों उनके जांच में खुद पुलिस रोड़ा बन रही है, क्यों नहीं जांच केंद्र। इतना ही आपको आगे बता दूं, आज बिहार पुलिस कुपर अस्पताल गई थी, कुपर अस्पताल में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए, वहां पर भी डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं दी जाएगी। यानी हर जगहों पर अब महाराष्ट्र सरकार से बात करें, बीएमसी की बात करें, पुलिस की बात करें, सीधे सीधे आमने सामने आ गए, कोई भी पेपर उन्हें मुहैया नहीं कराया जाएगा, और इसके बारे में जानकारी हमें यह मिल रही है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कोई अगर फैसला आता है तो शायद वह सहयोग करेंगे, तब तक वह सहयोग नहीं बल्कि जांच भी नहीं कर देंगे मुंबई में, बिहार पुलिस को ऐसा दिखाई पड़ रहा है अब जी। अभिषेक, हमने ये कहावत सुनी थी चोर पुलिस पर, अब तो ये पुलिस पुलिस वाला खेल नजर आ रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ में, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी केस से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर 5 अगस्त को हो सकती है सुनवाई। जी हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आई है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को ये सुनवाई हो सकती है, और आर बसंत महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से भी मुकुल रोहतगी की पेशी होगी। मुकुल रोहतगी पेश करेंगे बिहार सरकार को, और एडवोकेट बसंत महाराष्ट्र सरकार को पेश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुशांत के पिता की ओर से विकास सिंह पेश होंगे। सो ये जाहिर सी बात है एक ट्राईपार्टी केस बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, ये काफी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है केस। देखिए, कानून की उलझनों में ये फिलहाल ये केस जो है वो उलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे अहम बात है कि 5 अगस्त को जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तब बैटरी ऑफ लॉयर्स जो है वो टॉप एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री वो हमें देखने को मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट में।
आर बसंत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश होंगे, तो वही मुकुल रोहतगी बिहार सरकार की तरफ से पेश होंगे। विकास सिंह जो है वो पेश होंगे सुशांत के पिता की तरफ से। दरअसल आशीष, यह पूरा मामला जो है वो जुडिक्शन में फंस गया है। मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि हम बिहार पुलिस की मदद नहीं करेंगे क्योंकि ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसी बाबत मुंबई पुलिस ने अब लीगल असिस्टेंट मांगी है, कानूनी सहयोग मांगा है, जिसमें वो ये जानना चाह रही है कि क्या वो सहयोग कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मुंबई पुलिस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखें तो 5 अगस्त को ये तय हो जाएगा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करेगी या नहीं, क्योंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। बिल्कुल, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और काफ़ी ये एक इंटरेस्टिंग केस होता हुआ जा रहा है। इस पर और जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी रजत राकेश टंडन का रुख करेंगे जो कि यह न्यूज़ रूम में जुड़े हैं। आप दोनों भी हमारे साथ में बने रहिए, साथ में साथी टीना जी भी जुड़ गए हमारे साथ जो कि बॉलीवुड में एक जाना माना चेहरा है। रजत, आपसे जानना चाहूँगा कि ये न केवल एक क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि पॉलिटिकली और लीगली हर तरह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ केस नज़र आ रहा है। कई किरदार हैं, आप देखिए बिहार का एक किरदार है, बिहार में चुनाव है, उसके बाद मुंबई पुलिस को लगता है वहां एनसीपी के पास गृह मंत्रालय, उसको लगता है कि वो जांच क्यों छोड़ दें, ऐसा ना हो कि कल सीबीआई जांच हो तो वहां पर बीजेपी सवाल उठा दे कि आपसे एक सुसाइड केस सॉल्व नहीं हुआ। तीसरा, ये पूरा बॉलीवुड आशीष जिसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, उन सबको टैकल करना, ऐसा ना हो कि कोई जबरदस्ती फंस जाए। रिया चक्रवर्ती चौथा किरदार है। पांचवा किरदार इसमें सबसे बड़ा ये है, दो पुलिस फोर्सेस आपस में आमने सामने खड़ी हैं, एक तरफ मुंबई पुलिस है एक तरफ बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस कह रही है पहली एफआईआर हमारे पास हुई है, हम यहां जांच करने आए हैं, मुंबई पुलिस जांच नहीं करने दे रही है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दो पुलिस फोर्सेस में, वो कोऑर्डिनेशन दो पुलिस फोर्सेस में नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई फैसला, जैसा आपने बताया कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी चीजों का सुमोटो संज्ञान ले सकती है और कह सकती है कि एक जांच एजेंसी जांच कर ले, या फिर कोर्ट के द्वारा ये भी आदेश हो सकता है कि ये सारी जितनी भी एविडेंसेस हैं ये एक जगह इसको एकत्रित किया जाए, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो पटना हो। क्योंकि अगर इस तरीके से जांच चलेगी कि अगर बिहार पुलिस कहेगी हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिए, सीडीआर दीजिए, बयान दर्ज कराइए, मुंबई पुलिस कहेगी हम कोर्ट के बिना मानेंगे नहीं, तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल, जांच आगे कैसे बढ़े, और अब एक काफी पेचीदा हुआ इसलिए नजर भी आ रहा है रजत, क्योंकि न केवल राजनीतिक किरदार बल्कि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो भी पुलिस के कई किरदार आ गए हैं। लेकिन अब काफी कुछ फोकस होगा सुप्रीम कोर्ट पर, और जिस पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी तरह की क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अब ये केवल पुलिस वर्सेस पुलिस नहीं रह गया है, अब तो ये राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार वाली बात हो गई है। और 5 अगस्त को हम देखेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट किस तरफ अपना रुख देगी, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बिहार पुलिस हो। टीना राजी के एक रुख करते हैं। टीना राजी, ये शुरुआत से ही इस बारे में काफी कुछ एक साजिश की बू आ रही थी, जब से वो तस्वीरें सामने आई थी सुशांत की सुसाइड की, उसके बाद से ही इस तरह की आशंकाएं लगाए जा रहे थे कि एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, केवल मुंबई पुलिस पर नहीं छोड़ देना चाहिए। आखिर किस आधार पर मुंबई पुलिस पहुंच गई कि घंटों में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है, और बाकी जो कुछ पन्ने अभी निकलकर सामने आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के, इससे साफ हो रहा है कि काफी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। बॉलीवुड में किस तरह की इसमें फीलिंग है, क्योंकि बॉलीवुड कैंप भी अब एक डिवाइडेड कैंप नजर आ रहा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग उसके अगेंस्ट में। टीना जी, I can hear you. My name is Tina Ghai. Yes. Lost your sound again, sir. Lost the audio. जी 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 बोलिए टीना जी, आपकी आवाज आ रही है। Sir, can you repeat your question because I lost the sound? Tina ji, we can hear you. The question I was asking कि basically अगर हम देखें कि अभी काफी कुछ investigation हो रहा है सामने, शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसे एक suicide declare कर दिया था बिना कुछ जांच के बिना कुछ investigation के, लेकिन अब काफी कुछ पहलू multiple aspects निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो bank account हो या फिर जो Bollywood में किस तरह से पैसे लगते हैं वो वाली बात हो, camp divided नजर आ रहा है Bollywood का, कुछ for हैं कुछ against हैं। इस समय में बॉलीवुड क्या चाह रहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो हो जानी चाहिए कम से कम? सर, मैं एक बात बताऊं आपको, एक तो ये बात जो सीबीआई
की जांच नहीं होने दे रहे, यही बहुत बड़ी शक की कड़ी बनती है जी। आप सीबीआई जांच क्यों नहीं होने दे रहे, क्या दिक्कत है? आपने ये कैसे तय कर लिया कि उसने सुइसाइड की है और उसके जो है उसकी वो बाइपोलर थे, उनकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी, आप कैसे ये चीज तय कर सकते हैं? आप सीबीआई जांच क्यों नहीं होने देते हैं? अगर लोग बोलते हैं, जैसे हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई जांच ना हो, तो हम गुहार लगाते हैं कि प्लीज फॉर वंस लिसन टू अस। अगर इस केस की सीबीआई जांच नहीं होती है, अगर इस बार ये केस हल नहीं होता है, जो पिछले टाइम से होता चला आ रहा है वो होता ही चला जाएगा। आप जरा काउंट करिए कितनी डेथ्स हो चुकी है, कितने लोग हैं जिनको ये कह के छोड़ दिया, ये मेंटली अपसेट थे, ये बाइपोलर थे, इसने सुइसाइड कर ली, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने छलांग मार दी, इसने फांसी लगा ली, ये पानी में डूब के मर गए, कितनी मौतें हैं मुझे बताओ आप। अगर अब भी हम इसको यूं ही छोड़ देंगे तो ये किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए स्ट्रिक्टली इस चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए और मेरी प्रधानमंत्री जी से विनती है आपके चैनल के थ्रू, उनकी मन की बात हम सब सुनते हैं, सिर्फ एक बार हाथ जोड़कर मैं बोलती हूँ, आप जनता के मन की बात सुनिए। इस बार पूरी जनता जूझी हुई है इसके ऊपर। इट इज नॉट ओनली कि भारत जूझा हुआ है, इट हैज बिकम अ ग्लोबल इशू। बिकॉज मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरी बहनें वहां रहती हैं, रोज सुनने में आता है, पेपर्स में रोज पढ़ते हैं कि ये बहुत तूल पकड़ी है ये बात, और इसका हल होना चाहिए। और अगर इस बार इसका हल नहीं होगा तो कभी हल नहीं होगा। बॉलीवुड में भी काफी है, बिल्कुल आपसे ये सहमति है इस बात में, क्योंकि ये केवल एक बॉलीवुड स्टार के बारे में नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग इससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, चाहे वो बिहार में हो, मुंबई में हो, देश में हो या फिर विदेश में भी हो। लोगों को अब क्लैरिटी चाहिए, अब लोगों को 100% इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि आप इसमें तह तक जाइए, चाहे पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, क्राइम हो या फिर पर्सनल इशू भी हो। अगर वो केवल रिया और सुशांत के बीच वाली भी बात है, वो भी सामने आ जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम, पर तह तक जाना जरूरी है, डेप्थ तक। बिल्कुल सर, देखो रिया अकेली नहीं रह रही थी उनके साथ, आप कहते उनका लिविंग रिलेशनशिप था, चलिए आपकी बात मान ली, क्या रिया अकेली होती तो अलग बात है। अब रिया के पापा भी उसमें इन्वॉल्व है, रिया के ब्रदर भी उसमें इन्वॉल्व है, दे थ्री फोर पीपल, अभी दे आर लिविंग ऑफ रिया सुशांत मनी, रिया के फादर, रिया का ब्रदर और न जाने और कितने लोग जो हम नहीं जानते, ये तो मोटी मोटी बातें हमारे सामने आई हैं। सारा परिवार आपका सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से जी रहा है, पल रहा है, लेकिन उसके परिवार को पैसा नहीं मिल रहा। आप कहते हैं बाइपोलर है, आप डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, आप कहती हैं कि वो उनको डिप्रेशन है, परिवार क्यों इन्वॉल्व नहीं है उसमें? दूसरी बात, आप क्या दवाइयां देती रही हैं, किस किस्म की दवाइयां देती रही हैं, वो आप पब्लिक क्यों नहीं करते हैं? What stops you from doing that? How do we know कि आपने उसको क्या दिया है? बिल्कुल, और आपने बस बोल दिया, वो तो जी अभी बिलीव नहीं किया जा सकता, इसके लिए अब आपको कोर्ट मॉनिटर्ड या फिर कम से कम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उसकी शुरुआत हमें होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल एक मामला दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया, और उसके बाद में वो अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी, और साथ ही साथ टीना घाई जी भी जुड़ी हुई है, जो कि एक अभिनेत्री है बॉलीवुड से। अभिषेक, बहुत संक्षेप में, मेरे पास बहुत कम समय है, कुछ सेकेंड्स में अगर आप बता सके कि अब आगे का प्लान क्या है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, जिस तरह से बर्ताव हो रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस से, क्या बिहार पुलिस अभी भी वहीं पर रुक के आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करना चाहेगी, या फिर वो अगले 5 दिन वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का? देखिए दो चीजें हैं संक्षेप में आशीष की, देखिए बिहार पुलिस को समझ में आ चुका है कि मुंबई पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए जो बिहार पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है, क्योंकि जान को खतरा है, यह बड़ी जानकारी सूत्रों द्वारा आ रही है कि वह कहीं के यह बता रहे हैं क्योंकि जान को खतरा हो सकता है मुंबई में जांच करना, और वहीं मुंबई पुलिस इस बात के इंतजार के सरकार को जो आदेश देती तो आगे की जांच बढ़ाएंगे जी। जी आपसे बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब हम अपने चर्चा के अंत वाले पड़ाव पे आ गए हैं, अब आगे बॉलीवुड की तरफ से क्या जो कैंप डिवाइडेड है, बॉलीवुड के सभी लोग चाह रहे हैं, क्योंकि जो कैंप अगेंस्ट है वो तो थोड़ा चुप है, वो ट्विटर पे भी नहीं बोल रहा है, मीडिया में भी नहीं बोल रहा है, लेकिन जो फॉर है, जैसे कि सुशांत की बहन ने आज पीएम से ट्वीट करके कहा, अब जो फॉर है वो तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट वाले कोई आवाज नहीं उठा रहा। टीना जी टीना जी आपको मेरी आवाज आ रही है?
ओके यार, शायद टीना जी से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वापस हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे।